दूल्हा ना, और पापा उसका दूल्हा। दोस्तों, मित्रों, भाई और बेलियों, आप सबको सलमान का सलाम। आज की अपडेट ये है, रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, साथ साथ तूफान, आंधी वगैरह और यालाबारी, ओले। ये मुझे खुद यहाँ खुद्दी में दो तीन लगे हैं, और साथ साथ इतनी ज़्यादा बारिश के बाद मई का महीना भी चल रहा है, अप्रैल का भी पता नहीं चला, ऐसे ही ठंड ठंड में निकल गया है। और अब मई जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पता ही नहीं चलता। ये अब चेक करें, आज एक तो रात सारी सर्दी रही है, अभी भी सर्दी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और साथ से दूर दूर तक देख रहे हैं आप धुंध है, मई में भी धुंध हो चुकी है, अल्लाह ताला की कुदरत है। और ए रात जड़ी तूफानी बारिश है, ये सारे छपरा मुबारक ढह गए, चेक करो। खैर एक काम होने वध गए ही, कोई मुकामने आज इनको नवा बने सूँ, क्योंकि एडे दे काम खत्म नहीं थे पे, एडे नवे शुरू थी। अज मिस्त्री कहना उस ने ते ही वास जुम्मा है, मिस्त्री ये कहनी ते ही को कंप्लीट कर गिन सो, तो आपको बोला बाकी सारी रूटीन ऐसे नू। फिलहाल निकल दूँ घर, ते दे दूँ केड़े केड़े काम करने वाले, नाश्ता पानी भी मरे नू। और ना मुरादा तू क्या कीती बैठी, ये रस्से गुड़िया को वट कि दीती बैठे, इन्हें पहले वट खुलवा गिनू। एक की रस्सी को हाथ लगाया, सारी बाहर की तरफ देख रही हैं कि हमें खोले हम बाहर निकलें, खड़े रहो चुप कर पहले, बस कर वो मम्मा तेरी है टाँटा नहीं मुक रही। और ये साहिब भी अभी बीमार हैं, ओए हो इनको डायरिया हो गया, चले इसकी दवाई लेते हैं आज। दवाई के गिरणी है गोदेव काल मरे नोई साहब की, तो आप पूछ दूँ ना क्या है, बस मुतमैन इनकी दवाई शवाई हूँ कौन पूछ दूँ गोदे करूँ बोला घेना दूँ आज। एक काफ़ी बीमार है, कल दही इसे अब बनाते हैं, सेट करते हैं इसे, कल जो आंधी आई थी तूफान उससे गिर गया है, इरादा था इसे बिल्कुल नया कर दें, क्योंकि हमारे पास मटेरियल सारा है इसका बनाने के लिए, बांस वगैरह और ये वो जो कुछ इसके लिए चाहिए छपरे के लिए वो सारा मौजूद है, लेकिन अभी लोग नहीं है, आदमी नहीं, हम सिर्फ दो है, मैं और दानी, इसलिए सिर्फ अभी गुजारा करेंगे, इसे ऊपर उठा के रखते हैं, सट वगैरह करते हैं, और उसके बाद माल वगैरह बांध देंगे, फिर किसी दिन फ्री टाइम में इसे मुकम्मल नया कर देंगे। अभी आप लोगों के साथ हैं। كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا بدني الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا अभी चलते हैं दूसरे मकान पर, वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन चल रहा है, क्योंकि पेंट वगैरह का काम चल रहा है, शायद मिस्त्री भी आए हुए हैं उधर, तो वो काम सारा चेक कर लेते हैं क्या क्या सीन है वहाँ पर। और इसका भी यार पता करना है, जो इसको डायरिया हो गया इसकी पहले दवाई का पूछें। टाइम हुआ चाहता है अभी 11:18, डॉक्टर अहमद को कॉल कर लें, उससे पूछते हैं क्या सीन है इसका, दवाई पूछ के फिर ले कर आते हैं दवाई, क्योंकि काफ़ी दिन से बीमार है, इसको सेट करते हैं अब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर साहब, तबीयत सेहत अच्छा, गोदा चिट्टा ले लेनी निशान वाला हूँ को कल दी रेक का मतलब डायरिया था पे, क्या सीन करूँगा, जम्मू के पात्र शात्र खवाए से इतना फर्क है नहीं था उन्हें, हाँ हाँ वो डायरो एक्स, हाँ डायरो एक्स
कितनी पिलावनी क्या सीन है किवें करना होंदा अच्छा अच्छा क्या कह रही थी आप आपके भी शादी होने वाली आपके बाबा के भी हैं बाबा के ये क्या कह रही हो आपकी शादी होने वाली है तानू की दिशा अच्छा क्यों मम्मा पापा मेरे पापा की दूल्हा ना और पापा उसका दूल्हा तो मैंने तो नहीं दुल्हन लेके आनी निशान की पहले लेके आएंगे ठीक है किसकी लेके आए पहले आपकी नहीं मेरी क्यों आपकी लेके आए नहीं नहीं मेरी नहीं एक मिनट पहले निशान भी आ गई फिर दानु भी आ गई फिर मेरी ठीक है मेरी नहीं लेके आनी क्यों कपड़ा कर दिया ओके सारा माल सुकून से बैठ भी गया यहाँ पर उधर थोड़ा बांधा है ज़्यादा इधर ही है ये बेरी की छाँव के नीचे और इस भैंस को थोड़ा मसला है क्योंकि ये सून वाली एदा मास हो चुका है उस टाइम कोला इसलिए रस्सा लग रहा कुछ बातें होती हैं जो उर्दू में एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो आप पंजाबी में ही समझ लें तो इसको अब लगाते हैं काला तेल ताकि इस पर मक्खियाँ ना बैठें बस ये लग गया है क्योंकि अगर मक्खी बैठ गई तो इसे कीड़े पड़ जाएंगे बस मकान का दरवाज़ा था एक वो सेट करना था तो उसके लिए मिट्टी वगैरह चाहिए अभी इस पर रक्षे पे मिट्टी लेके जानी है और ये बाकी सामान है और इसमें साहिब में पेट्रोल नहीं है तो इसका सीन ये करेंगे धक्का वगैरह लगा के लेके जाएंगे थोड़ा सा टॉर्च छोड़ो ना ये निकले पे ला ला दिखा ला दिखा ला दिखा ला दिखा ला दिखा ला दिखा ला निकल गई निकल गई निकल गई गाड़ी जा दिए चलो हाँ ला मैं दिखा निकल गई निकल गई तो ना टायर चढ़ा अब अच्छा थोड़ा ये टोर छोड़ा ताला हाँ ये टोर है सब लोग देसी जुगाड़ ये आ गए हैं अब नए मकान पे यहाँ चेक करते हैं क्या क्या सीन चल रहा है ओ उस्ताद ओ जिंदा ही ये दरवाजा जो तोड़ना था अभी निकाल लिया है तो इसको बंद करना है बिल्कुल ईंटे लगा के दरवाज़ा निकाल लेना है यहाँ से इस मकान का जो आपको कल बताया था कि पेंट का काम जारी है माशाल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है सिर्फ एक ये वाला कमरा रह गया ये भी मुकम्मल हो गया और यार मुजम्मिल खान ओके था बैठी डबल कोट मारी खड़ो सिंगल है हाँ कहना डिस्टम्बर ठीक लगता पे ना वेदर कनो ही चलो ला खैर कर गुजारा चाल वैसे पंच में आज हमारे पास है चना चावल रायता सैलड वगैरह ये तो ला रही हूँ लाजमी शायद बोतल शोतल माहौल है तो मिल दो लंच के बाद